रोक के बाद भी भोजपुर की सोन नदी में नाव से बालू के अवैध खनन को लेकर खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की ओर से लगातार दूसरे दिन भी संयुक्त कार्रवाई की गई। बीती शाम तक चली छापेमारी में बालू काटने में संलिप्त 17 नाव को जब्त किया गया। धंधेबाज और मजदूर नावें छोड़ भाग गए, गिरफ्त में नहीं आ सके। इसके बावजूद भी खनन माफिया मानने को तैयार नहीं। प्रशासन के हटते ही देर शाम रोजाना की भांति सैकड़ों की संख्या में नावें कोइलवर पुल के करीब पहुंचकर खनन में जुट गई। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व सुरौथा टोक के समीप एसपी विनय तिवारी के नेतृत्व में भोजपुर प्रशासन ने सोन में छापेमारी अभियान चलाया, जहां बालू नदी 9 नाव को जब्त करते हुए 40 मजदूरों को हिरासत में लिया गया। जिला प्रशासन ने बताया कि सोन में बालू खनन के मामले में आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।